तो आज के हमारे इस डेटा में हम बात कर रहे हैं डेटा की सॉर्टिंग के बारे में। हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन सॉर्ट द डेटा। अब सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले हम इस चीज को पढ़ते हैं कि हमें सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है और सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट भी है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए सौम्यन जी, आप गए अपने ऑफिस में, ऑफिस वालों ने बोला कि आपका ट्रांसफर हो गया है, और कहाँ हुआ इसका लिस्ट नीचे नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ, जाके देख लीजिए। 1500 लोगों का, 1500 एम्प्लॉई का आपका स्टाफ है। तो आपको अगर किसी, मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉई कोड के अकॉर्डिंग या फिर आपके नेम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करके लिखा हुआ है, तो आप जाके सीधे आपका जो नाम का पहला वर्ड वहां शुरू करेंगे नहीं? अगर कुछ किसी किसी सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, क्या होगा? आपको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा जब तक कि आपका नाम मिल नहीं जाता है क्या? लेकिन अगर एक 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 सीक्वेंस में, चाहे किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट होता है, तो डेटा को देखने और समझने में बड़ी आसानी होती है। अब ऑफिस में क्या होता है, अब आपके सामने दिख रहा है डेटा, इसमें क्वांटिटीज है। अब मान लीजिए कि मेरे बॉस ने बोला कि यार मुझे टॉप 10 क्वांटिटीज दे दो, किस हाईएस्ट 10 कितना कौन कौन सेल किया है, समझे? तो कैसे निकालेंगे टॉप 10? तो निकालने के और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन सिंपल तरीका क्या है कि मैं क्वांटिटी पे कर्सर रखूंगा, क्वांटिटी के ऊपर कर्सर रखूंगा, शॉर्ट में जाके शॉर्ट Z2A, मतलब कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग, हाईएस्ट टू लोएस्ट क्लिक करते आ गया। अब मैं यहां से सिंपल सा 10 डेटा उठा के भेज दूंगा, क्या सिंपल है? सर, थोड़ा सा बात है फिर। हमें क्या करना है कि टॉप 10 को लेना है, क्या लेना है? टॉप 10 सेल्स को लेना है। तो हम क्वांटिटी के ऊपर कर्सर रखेंगे, होम मेनू बार के अंदर शॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट A to J, क्योंकि मुझे लोवेस्ट चाहिए तो मैं लूंगा A to Z, और हाइएस्ट चाहिए तो J to Z, का हाइएस्ट ऊपर होगा और लोवेस्ट उसके नीचे होगा। और ये क्या होगा, A to Z, लोएस्ट ऊपर होगा हाईएस्ट नीचे होगा। तो मुझे टॉप चाहिए ना, तो हमने क्या किया, शॉर्ट A to J क्लिक किया, मेरा पूरा डेटा शॉर्ट हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शॉर्ट एक कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन डेटा पूरा ऊपर नीचे, मैं 90 अकेले नहीं आया है, वो पूरा अपना डेटा लेके आता है, समझ गए? जब भी शॉर्ट होगा, चाहे किसी फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो, ये पूरा डेटा ऊपर नीचे जाता है, समझ गए? ठीक है, अगर हमको ऐसे मंथ वाइज अगर करना हो, हाँ, मैं क्वांटिटी ना आपको हो, कहा और हमें चाहिए होगा कि फरवरी मंथ के टॉप 10 मुझे चाहिए अब मैं बताता स्टूडेंट। हूँ मैम, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, एक चीज पहले समझिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ए हो गया, ए हो गया। अब सॉर्ट करने से पहले कुछ चीज ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला कि आपके अंदर डेटा कहीं ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब कि ब्लैंक रो, पूरी की पूरी रो जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, वो अच्छा, आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर पूरा रो ब्लैंक है, तो आपको सॉर्ट करने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि एक कंट्रोल एक अकॉर्डिंग चलता है, एक ऊपर का डेटा आ जाएगा, नीचे का डेटा वो सॉर्ट करेगा ही नहीं। तो सॉर्ट हमेशा करते समय क्या देखेंगे कि पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक हो तो क्या करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट डिलीट मार करेंगे, नहीं देंगे, डिलीट, नहीं डिलीट कर सकते तो कर दीजिए अगर जरूरत है तो, नहीं तो जीरो सिलेक्ट डाल देंगे तो करेंगे। जीरो। हाँ, कोई एक सेल पे कुछ डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? या फिर डेटा को सिलेक्ट कर ले, सिंपल, समझ गए? अब किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है, जैसे मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ सिंपल कर्सर रख के A to Z करूंगा, शॉर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए अजीत का सेल हुआ, अजीत में देखिए दिसंबर 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 आया हुआ, राइट? लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, जब शॉर्ट हो तो मेरे हिसाब से शॉर्ट हो, समझे सर? हाँ
मतलब कि पूरा मैंने नेम भी सॉर्टेड होना चाहिए। अगर मैं नेम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता हूँ तो क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए जुलाई जुलाई सितंबर फिर जैन आ गया, गड़बड़ है ना सर। जैन आना चाहिए फिर जुलाई फिर सितंबर आना चाहिए ना, ऐसे यहाँ पे देखिए फिर मार्च आ गया, फिर यहाँ पे देखिए देव में सितंबर है, मई है, दिसंबर है, सितंबर है, फिर वापस जैन है। तो मैं चाहता कि मंथ भी शॉर्ट होना चाहिए, उस इसके अंदर जो ये डेटा है ना, ये डेटा भी शॉर्ट होना चाहिए। तो कई सारे फील्ड को शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में यह लेवल होता है, हम एट लेवल करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मंथ, और फिर यहाँ पे एड लेबल करता हूँ और क्या ले लेता हूँ, क्वांटिटी। और यहाँ से हम ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए कि अजीत का जो सर है यहाँ पे एक शॉर्ट हो गया, यहाँ शॉर्ट हो गया, तो इस तरह शॉर्ट होता है। लेकिन एक दिक्कत होती है जब मंथ की शॉर्टिंग होती है ना, तो एक छोटी सी दिक्कत होती है। जैसे देखिए जून पहले आया, मार्च बाद में आया, सेप्टेम्बर पहले आया, क्यों ऐसा हुआ? देखिए मंथ वाइज डेटा को शॉर्ट करते हो, मैंने मान लीजिए मैंने मंथ वाइज डेटा को शॉर्ट कर दिया तो पहले अप्रैल आया फिर अगस्त आया, क्यों? क्योंकि तो ये अल्फाबेटिक शॉर्ट होता है, समझ गए? डेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए डेट को ए टू जेड करेंगे तो 1 जनवरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आएगा है। लेकिन जैसे ही मंथ को शॉर्ट करेंगे मंथ वो अल्फाबेट आएगा, न कि आपके कैलेंडर के हिसाब से आएगा। लेकिन मुझे तो कैलेंडर के हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। हम कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे, डेट की जगह पे मैं यहाँ लेता हूँ मंथ, और ए टू जेड के बगल में सबसे नीचे आते हैं तो आता है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट वहां पे सारे मंथ होंगे, तो मैंने यहाँ पे जैन फेब को सिलेक्ट कर लिया, एंड ओके एंड ओके। अब देखिए अब कैलेंडर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ कि पहले जैन आया, फिर फैब आया, फिर मार्च आया, फिर अप्रैल आया, समझे? तो कैसे किया, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम गए शॉर्ट के कस्टम शॉर्ट में, वहां यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लिया, और ऑर्डर जहां पे ए टू जेड और जेड टू ए आता है इसी के नीचे आएगा कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में मैंने गया और जैन फैब को सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई लिस्ट आपके मन मुताबिक नहीं है तो न्यू लिस्ट पे जाके आप अपना सॉर्टिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट होगा। इसको ट्राई करके देखिएगा, राइट सर। ठीक है सर। अब सॉर्ट में हम बात करें कि हमने नॉर्मली डेटा तो सॉर्ट करते, चाहे डेट हो चाहे नेम हो, सब डेटा सॉर्ट करते हैं। लेकिन सॉर्ट करने से पहले अगर आपको दिक्कत ऐसा लग रहा हो कि मुझे डेटा को वापस अनसॉर्ट भी करना पड़ सकता है, जैसे मैंने आपको एक सीक्वेंस में लिख के दिया, आपको नहीं पता कि सीक्वेंस में है, मुझे पता है कि सीक्वेंस में है, आपने डेटा को सॉर्ट वर्ट कर लिया तो दिक्कत क्या हो गया? अब उसको वापस जैसे डेटा मैंने भेजा तो ऐसा करना है। आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं जब तक आपने सेव नहीं किया, सेव करके क्लोज करके फिर कहीं ओपन किया तो आपका कंट्रोल जेड थोड़ी होगा। अब आप कंफ्यूज है कि किस ऑर्डर में आया था, कैसे आया था, तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो एक अनसॉर्ट का कोई सिस्टम नहीं है एक्सेल में, लेकिन एक तरीका है। आप क्या करें कि सॉर्ट लगाने से पहले आप एक सीक्वेंस नंबर इसके अंदर डाल दें, क्या डाल दें, सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर। अब मैं डेटा को शॉर्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको डेट वाइज ही शॉर्ट कर दिया हुआ है, हाईएस्ट डेट टू लोएस्ट डेट, ठीक है। अब मुझे वापस डेटा को शॉर्ट करना है जैसे पहले था उस शॉर्ट में, तो मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जाऊंगा और क्या कर दूंगा, ए टू जेड कर दूंगा, मेरा डेटा अनशॉर्ट हो गया, समझ गए? स्टार्टिंग में एंडिंग में कहीं एक जगह पे सीक्वेंस लगा ले, या फिर देख ले कोई सीरियल नंबर तो नहीं है, सीक्वेंसली तो नहीं है। अगर सीक्वेंसली है तो सीक्वेंसली लगाने की जरूरत नहीं है, अगर सीक्वेंस में नहीं है तब लगाने की जरूरत है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ डेटा को कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ना, अब हुआ कि ये जो सारे कलर वाला डेटा इकट्ठा एक जगह पे आ, कलर डेटा कहाँ आ जाए, इकट्ठा एक जगह पे आ जाए,
तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम जाते हैं शॉर्ट के अंदर, कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में सबसे पहले तो मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूं, और यहां दिख रहा है सेल वैल्यू, शॉर्ट ऑन दिख रहा है, शॉर्ट ऑन में क्या दिख रहा है, सेल वैल्यू। अभी सेल वैल्यू पे क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया सेल कलर, क्या सिलेक्ट कर लिया, सेल सही कलर। और सेल कलर सिलेक्ट करते ही इस कॉलम में जितने कलर होंगे सबकी लिस्ट आपको यहाँ आ जाएगी। जो लिस्ट आई उस लिस्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ ऑन द टॉप ऑन द बॉटम, हमने क्या किया, ऑन द टॉप कलर ऑन द बॉटम, इससे क्या हुआ, दिख गया सर कि सारे के सारे जो थे कलर्ड वो ऊपर आ गए। अब मान लीजिए कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स लगा रखे हैं, ये आइकन दिख रहा है। अब मुझे मान लीजिए जो हाथ अपर वाला आइकन है उसको ऊपर रखना है, तो आप सॉर्ट करते समय ए बी कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, क्वांटिटी की जगह पे मैंने ले लिया एमआरपी, और जहां पे सेल कलर या सेल वैल्यू होता है वहां पे क्या ले लिया, ओके कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। और यहां से मैंने अपना आइकन सेलेक्ट किया, ऑन द टॉप चाहिए या ऑन द बॉटम चाहिए, हमने इसको ओके किया और आपके सामने रिजल्ट आ गया। आ गया, तो ये हमारा शॉर्ट का पार्ट वन है। अब आप लोग ये डेटा मैं भेज रहा हूं, मैंने जैसे जैसे किया है ना सेम उसी तरीके से आप करें, सेम प्रोसीजर को, एक एक मिनट का वीडियो देखें और मेरी की गई चीजों को करें, और करने के बाद फाइल को मुझे वापस भेज दें ताकि हम देखें कि आप लोगों ने क्या किया है। समझ ठीक है गया, सर, व्हाट्सएप कर दीजिए अभी फाइल पे। जस्ट हम यहाँ पे और सब करते रहे सॉर्टिंग। सर, जब आप पढ़ाते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जब हम लोग करने बैठते हैं हाँ, तो तो उतने वही अच्छे से हो ही नहीं पाता हमने है। आपको बोला ना कि आपको क्या करना है, कि आपको एक एक मिनट स्टेप बाय स्टेप करना है, समझ गए, स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक स्टेप को। माने कि आप लोग क्या करते होंगे, पूरा वीडियो देख लेते होंगे फिर उसके ऊपर जाके प्रैक्टिस करते होंगे, जबकि आप गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो है